Honestly, आजकल कंपटीशन में ना किसी को भी जज बनाओ, मुझे तो उनकी काबिलियत पर ही शक होता है। हाँ बॉस, और क्या है, उन्होंने कह दिया और हमें सुनना पड़ेगा। खैर, आपको पता है ना कि जज कौन है आपके ऑफिस में? क्यों नहीं पता होगा, मेरे ऑफिस में हर एक डिसीजन मुझसे पूछ के लिया जाता है। मैं बस पूछ रही थी कि मुझे मंगल, मेरे ऑफिस के मामले में घुसने की कोशिश मत करो। बॉस और उनकी वाइफ ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है, जज बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अम्मा सही कह रहे थे, चलो चाहे गुस्सा नहीं किया, वरना मुझे जाने से मना ही कर देते अपने ऑफिस। कॉफी आदि जी, आपकी कॉफी। आप मुझे घर में बात कर लीजिए ना, मैं क्या करूंगी प्लीज। ऑफवर्ड माँ, माफी के पास आ रहे थे। आई एम सो सॉरी, मैं आज कुछ ज्यादा एजिटेटेड हो गया था। और It's okay, beta. हो जाता। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम हाइपर हो गए थे, हो जाता है, पर तुमसे नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। देखा लक्ष्मी, मैं क्या ही रहा था तुमसे? क्या पता हमारे बीच का? ओ इतना माँ, लक्ष्मी को कुछ नहीं पता। इसने तो उल्टा जिद लगा दी कि जाओ माँ से सॉरी बोलकर आओ, जाओ जाओ की रट लगा दी और मुझसे नाराज हो गई। फिर क्या? फिर मैंने कहा भैया चलो, हाँ जाओ जाओ की रट लगा दी। और फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते बात। तुमने लक्ष्मी के कहने पे मुझसे सॉरी? वही ना माँ, इससे थोड़ी बात, मैं कह रहा था कि मैं अपनी मॉम को जानता हूँ कितनी कूल है, लेकिन नहीं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ी। कहा कि जाओ अभी बात करके आओ, मैंने बहुत बुरा लगा होगा, जाना पड़ेगा। अब खुश, अब मुझे मेरी माँ के साथ खुश देख रहे हैं। माँ अब आप ही कहिए ये सब ठीक है, नहीं तो ये बार बार जिद करती रहेगी और मुझे आपके पास बार बार भेजती रहेगी। मंगल पर भड़का आदित्य लक्ष्मी के कहने पर कार्तिक ने गायत्री को कहा सॉरी। 200 सीरियल मंगल लक्ष्मी में आ रही हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां एक बार फिर से आदित्य भड़क चुका है मंगल पर और कहता है कि मेरे ऑफिस के डिसीजन मुझसे पूछ के लिए जाते हैं, बॉस ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है। ऐसे में मंगल घबरा जाती है। दूसरी ओर लक्ष्मी के कहने पर कार्तिक अपनी माँ से सॉरी कहता है। ऐसे में कार्तिक बताता है कि माँ अब लक्ष्मी को कह दो कि सब कुछ ठीक है। ऐसे में गायत्री शॉक्ड हो जाती है और कहती है लक्ष्मी के कहने पर तुमने मुझे सॉरी कहा। ऐसे में कार्तिक कहता है हाँ मुझे तो पता है कि हम दोनों के बीच सब ठीक है। गायत्री को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे शो में। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में कॉमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।